प्यारे बच्चों, हम जान गए हैं कि इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। टॉर्च को भी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक सेल से ही मिलती है। टॉर्च तो सभी बच्चों ने देखी है, इसके अंदर एक बल्ब होता है। ध्यानपूर्वक अंदर के बल्ब को देखें। आप अपने अध्यापक या किसी पेरेंट्स की सहायता से बल्ब को टॉर्च से बाहर भी निकाल सकते हैं। बल्ब में आपको क्या दिखाई देता है? कांच के बल्ब के मध्य एक पतला सा तार होता है। दिखाई दे रहा है ना? ये बिल्कुल पतला सा तार। अब आप टॉर्च का स्विच दबाइए और टॉर्च को ऑन कर लीजिए। अब बताइए, बल्ब का कौन सा भाग दीप्त हो रहा है, चमक रहा है? लाइट देने वाले इस पतले तार को हम बल्ब का तंतु कहते हैं, फिलामेंट ऑफ बल्ब। यह फिलामेंट यानी तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ना, दो मोटे तार और बीच में फिलामेंट यानी तंतु। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा होता है। जो मेटल सीट है उससे ये जुड़ा रहता है। दूसरा मोटा तार इस बल्ब के बिल्कुल नीचे धातु की नोक से जुड़ा रहता है। बल्ब पर लगा ये मेटल का ढांचा और बल्ब के ठीक नीचे नोकदार मेटल दो अलग अलग टर्मिनल बनाते हैं। ये दोनों टर्मिनल इस तरह से बनाए जाते हैं कि ये एक दूसरे को टच ना करें। हमारे घरों में जलने वाले विद्युत बल्बों में भी इसी तरह की संरचना होती है। यानी दो टर्मिनल होते हैं, फिलामेंट होता है और इसी तरह का कांच का कवर होता है। तो सेल में भी दो टर्मिनल होते हैं और बल्ब में भी दो टर्मिनल होते हैं। ये इसलिए होते हैं ताकि इन्हें आपस में जोड़ा जा सके। बच्चों, आओ विद्युत सेल से बल्ब जोड़कर देखते हैं। इसके लिए दो अलग अलग रंगों की, एक ब्लैक और एक रेड विद्युत तार ले लें। दोनों तारों के सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटा दें। इस प्रकार दोनों सिरों पर से धातु की तार नंगी हो जाती है या हमें बिल्कुल दिखाई देती है। रबड़ बैंड की सहायता से धातु की इन दोनों तारों के खुले सिरों को सेल के दोनों किनारों पर लगा दें। लाल तार को पॉजिटिव टर्मिनल से और काली तार को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ लें। इसी तरह दोनों तारों को टॉर्च के बल्ब से भी जोड़ देते हैं। यहाँ जोड़ने के लिए हम सोल्डरिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी सहायता से तारें बिल्कुल अच्छी तरह से चिपक जाती हैं और छूटने का डर नहीं रहता है। आप स्वयं इस तरह का प्रयास ना करें, इसके लिए बहुत अभ्यास और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। चेतावनी, वार्निंग। इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनलों से जुड़े तारों को बिना स्विच या बल्ब लगाए आपस में कभी ना जोड़ें। अगर आप इन्हें बिना बल्ब लगाए या स्विच लगाए जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर जो केमिकल सब्सटेंस यानी रासायनिक पदार्थ है वह बड़ी तेज़ी से खर्च हो जाएगा और आपका सेल कार्य करना बंद कर देगा। इसलिए इन्हें आपस में ऐसे ही ना जोड़ें। बच्चों, हम ज़्यादा एनर्जी के लिए सेल की जगह बैटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैटरी का उपयोग करने के लिए हम बैटरी के ऊपर बैटरी कैप अच्छे से लगा लें।
इससे हमारे पास दो टर्मिनल रेड और ब्लैक वायर के रूप में मिल जाएंगे। अब इन वायर्स को हम बल्ब के साथ जुड़ी हुई उन दो ब्लैक और रेड वायर्स से जोड़ेंगे, जिससे हमारा सर्किट पूरा हो जाएगा। अब हम बल्ब और इलेक्ट्रिक सेल को अलग अलग 6 तरीकों से जोड़ेंगे और आप ध्यान देंगे कि हर अवस्था में बल्ब जलेगा या नहीं। आप अपनी नोटबुक पर एक टेबल बना लें और जिस अवस्था में बल्ब जलता है वहाँ लिखें हाँ और जिस अवस्था में बल्ब नहीं जलता है वहाँ लिखें ना। इसके बाद आप इसके कारणों को भी जानने का प्रयास करेंगे कि बल्ब जला तो क्यों जला और अगर बल्ब नहीं जला तो इसके पीछे क्या कारण रहा कि हमारा बल्ब नहीं जल रहा है। लाइट देने वाले इस पतले तार को हम बल्ब का तंतु कहते हैं, फिलामेंट ऑफ बल्ब। चेतावनी, वार्निंग, इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनलों से जुड़े तारों को बिना स्विच या बल्ब लगाए आपस में कभी ना जोड़ें। आप अपनी नोटबुक पर एक टेबल बना लें और जिस अवस्था में बल्ब जलता है वहाँ लिखें हाँ और जिस अवस्था में बल्ब नहीं जलता है वहाँ लिखें ना।